हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज मैं आपने थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे आप कि आपको क्या बताने वाला हूँ। आप अपना पुराना मोबाइल चला रहे हैं जो आपका हैंग कर रहा है, पुराना हो गया है, बदलना चाहते हैं, नया फोन लेना चाहते हैं। अगर आपको कस्टमर नहीं मिल रहा है, उसे आप बेचना चाहते हैं अच्छे दामों में, तो मैं आपको बताऊंगा आप इसे एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं। आप अपना मनपसंद फोन लेने के लिए आप फ्लिपकार्ट अमेजोन में से अगर बुक करते हैं, उसे एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे मैं आपको स्क्रीन पे ले जाऊंगा। फ्लिपकार्ट का ऐप ओपन करके आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आपको बहुत ही इस वीडियो से मदद मिलने वाली है। आपका कैसा भी मोबाइल है, जैसे आप अपने मोबाइल का मॉडल डालेंगे, आपके मोबाइल की रेट वहाँ पे लिख के आ जाएगी। अगर आपको सही लगे तो वहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं। आपको उससे उतने रुपये आपके कट के आपको मोबाइल और सस्ता पड़ जाएगा। और उसको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनका पुराना मोबाइल है तो उसे वो रिप्लेस करा सके, यानी कि उस मोबाइल से उस मोबाइल के बदले नए फोन को मिल जाए कुछ रुपये देकर। चलिए दोस्तों, उसके पहले चलता हूँ, आपको समझाता हूँ। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। आपको अच्छी अच्छी मिलेगी। और जिससे भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। चलिए उस स्क्रीन पर आपको समझाता हूँ। दोस्तों ध्यान से देखिएगा वीडियो को, जिससे कि हम फ्लिपकार्ट यहाँ पे ओपन करते हैं। आपका जो भी पुराना मोबाइल है, आपका अगर कोई कस्टमर नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है, तो आप इसे एक्सचेंज करवा सकते हैं। अगर नया फ़ोन आप मंगाते हैं तो आपको आपके मोबाइल की वैल्यू इस पर पता चल जाएगी कितने की है। अगर कोई कस्टमर आपको कम रुपए दे रहा है आपके फ़ोन का, और तब आपको करना है कि आप फ्लिपकार्ट आइएगा और उस पर अपना फ़ोन एक्सचेंज करवा लीजिएगा। जैसे आप कोई भी फ़ोन मंगाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर वीवो सर्च कर लेता हूँ, वीवो मोबाइल, तो यहाँ पर वीवो के जितने मोबाइल हैं वो आ जाएंगे यहाँ पर, वीवो मोबाइल। और वो एक्सचेंज करने के लिए आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा, ये यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ। आपका जो भी फ़ोन होगा उसको मॉडल नंबर वगैरह डालोगे तो उसके जितने भी वैल्यू होगी वहाँ पे शो करेगी, जिससे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ़ोन है 10,499 रुपये का। और यहाँ पे एक्सचेंज वैल्यू दिया हुआ है टेक्नो स्पार्क गो, यहाँ पे हमारा फ़ोन है टेक्नो स्पार्क गो जो कि 2 साल पुराना है, इसको 2100 रुपये यहाँ पे वैल्यू दिख रही है। अगर आपको अपना फ़ोन यहाँ पे दिखेगा, दूसरा ऑप्शन आपको दिखेगा, अगर आपने यहाँ पे डाल नहीं रखा होगा, मैंने यहाँ पे चेक किया ना तो पहले से दिख रहा है। आप यहाँ पे आगे बढ़े पे जाएंगे या फिर देखेंगे व्यू करेंगे तो वहाँ पे आपको मॉडल नंबर वगैरह डालना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे देख टेक्नो का दिखा रहा है कि इतना इतना डैमेज रहेगा फ़ोन, तो आपको इतने रुपये मिलेंगे एक्सचेंज के रूप में। और जो भी आपका डिवाइस हो यहाँ पर डाल के आप चेक कर सकते हैं। और कैसा वीडियो लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक वीडियो चाहिए आपको तो वहाँ बताना, मैं आपको मैं बदलाव करें भी। तो यहाँ पे आप एक्सचेंज का ऑप्शन, अगर बदलाव करना चाहते बदलाव करें पे जाएंगे तो यहाँ पे आप दूसरा फ़ोन का मान लो अगर फ्रेंड वगैरह का है तो ठीक है, तो उसका डाल सकते हैं। यहाँ पे देखो एप्पल, MI, मेट्रोला, ओप्पो, जो भी कंपनी का सेट होगा यहाँ पे आप देखो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और जो भी उसका सेलेक्ट कैसे टेक्नो का है, टेक्नो से जो भी आपका मॉडल है सेलेक्ट कर लीजिए, डाल दीजिए, उसका रेट दिख जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।